देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल को अमल में लाते हुए भदोही के एक मुस्लिम परिवार ने अपने एक कर्मचारी की मौत के बाद हिंदू रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार किया और तेरवी की रस्म निभाई। तेरवी भोज के लिए बांटे गए कार्ड पर नीचे शोक कुल परिवार में इरफान अहमद खान और फरीद खान का नाम छापा होने के साथ भौदीये में उनकी फर्म का नाम लिखा गया। ये ब्राह्मण भोज इरफान और फरीद ने अपने सहयोगी मुरारी लाल श्रीवास्तव की आत्मा की शांति के लिए 25 जून की रात शहर के हरिरामपुर में किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के 1000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। कोतवाली पुलिस के मुताबिक मुरारी लाल श्रीवास्तव को पिछले दिनों खेत में किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था, जिसे इलाज के दौरान 13 जून को उनकी मौत हो गई थी। मुरारी के परिवार में किसी के ना होने पर उसका शव इरफान और फरीद के परिवार को सौंप दिया गया। दोनों ने कुछ सहयोगियों की मदद से पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। इरफान और फरीद ने गुरुवार को बताया कि मुरारी हमारे घर के सदस्य की तरह पिछले 15 साल से हम लोगों के साथ खड़े रहे और हमेशा घर के सदस्य की तरह हमें उनका समर्थन किया। इरफान के मुताबिक मुरारी उनके घर के बुजुर्ग सदस्य की तरह थे, इसलिए हम लोगों ने वही किया जो घर के किसी सदस्य के लिए करते। साथ ही कहा कि जब हम लोग तेरवी का कार्ड बांटने हर जगह गए तो सभी ने आश्चर्य जताया। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण भोज से पहले 22 जून को बाकायदा बाल उतारने की रस्म अदा की गई और 25 जून को रखे गए ब्राह्मण भोज में 1000 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम सभी ने इसमें भाग लिया। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।